इतना हेवी व्हीकल जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको इतने पतले से ट्रैक पर मैकेनिकली बैलेंस करते हुए ब्रेक लगाना वाकई में बहुत अद्भुत इंजीनियरिंग है। इतनी हेवी स्पार्किंग होती नहीं है ब्रेक लगाते टाइम जितनी हमने दिखाई है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम ब्रेक शू से हल्की स्पार्किंग या बहुत ज़्यादा हेवी लोडेड लोकोमोटिव में व्हील स्लिपेज की वजह से स्पार्किंग होती है। ट्रेन के इस डिब्बे को कोच बोलते हैं। आप जो कोच देख रहे हैं वह LHB कोच है। इसके नीचे दो बोगी लगी रहती है जिनमें चार चार व्हील्स होते हैं और इन 8 व्हील्स पर इक्वल ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है। अब ट्रेन चाहिए कितनी भी लंबी हो, हर व्हील के पास में ब्रेक फोर्स पहुंचता है, लेकिन इस ब्रेक फोर्स का मास्टरमाइंड इंजन में लगा हुआ एक पावरफुल कंप्रेसर होता है। यह कंप्रेसर एयर ब्रेक, ट्रेन के एयर सस्पेंशन, बाथरूम, हॉर्न सभी को एयर सप्लाई करता है। यह स्पाइरल टाइप कंप्रेसर है जिसको किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके साइड में दो स्पाइरल लगे हैं जो एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं और बीच में एक पावरफुल 3-फेज इंडक्शन मोटर लगी रहती है। इस कंप्रेसर से दो पाइप निकलती है, एक ब्रेक पाइप इन शॉर्ट BP जो ग्रीन कलर की होती है और सेकंड फीड पाइप इन शॉर्ट FP जिसका कलर व्हाइट होता है। जब इंजन को ट्रेन के कोच से कनेक्ट किया जाता है तो उसी टाइम इन दोनों ब्रेक और फीड पाइप को भी कोच से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब इंजन कोच से कनेक्टेड नहीं रहता है तब भी उनमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहती है। कमेंट में जरूर से लिखना कोच में कहां से सप्लाई आती है। इंजन और कोच के दोनों साइड में ही वाल लगे रहते हैं जिनको एंगल कोक बोलते हैं। इनका यूज जब इंजन को अलग किया जाता है तो इन पाइप से प्रेशर कम ना हो जाए, इसलिए बंद कर दिया जाता है। अब यह दोनों पाइप हर बोगी से होते हुए ट्रेन के लास्ट कोच की बोगी तक जाती है। हम किसी एक बोगी का ब्रेक मैकेनिज्म समझते हैं। इंजन में रखा हुआ कंप्रेसर इस फीड पाइप में कंटिन्यूअसली प्रेशर भेजता रहता है और फीड पाइप इस रिजर्वोयर से कनेक्टेड रहती है, लेकिन रिजर्वोयर में एयर भेजने से पहले एक वाल लगा रहता है आगे के मैकेनिज्म को मेंटेनेंस के काम के लिए, और एक डस्ट कलेक्टर लगा रहता है जो डस्ट को आगे नहीं जाने देता। इसके अलावा एक नॉन रिटर्निंग वाल जिसको शॉर्ट में NRV बोलते हैं, जो सिर्फ फीड पाइप से एयर को रिजर्वोयर में आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देगा। कंप्रेसर इतना हाई लेवल का प्रेशर भेजता है कि इस रिजर्वोयर में पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 kg एयर को कंप्रेस करके भर दिया जाता है। इस रिजर्वोयर की कैपेसिटी 125 लीटर एयर की होती है। रिजर्वोयर के पास में एक और 75 लीटर का टैंक लगा हुआ है जो टॉयलेट में एयर प्रेशर को भेजता है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसके कनेक्शन भी नहीं किया है। तो इस रिजर्वोयर से एयर डिस्ट्रीब्यूटर वाल के पास में पहुंचती है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल के अंदर ब्रेक पाइप से भी डायरेक्ट कनेक्शन आता है। ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह वाल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इस वाल से आउटपुट जो निकलता है वह दोनों बोगी की तरफ एयर प्रेशर को भेजता है ब्रेक एप्लीकेशन के लिए। DV में एक पिस्टन दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे की तरफ रिजर्वोयर से प्रेशर आ रहा है और ऊपर से ब्रेक पाइप का प्रेशर आ रहा है, तो पिस्टन एक जगह रुका रहेगा। जब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वह ब्रेक पाइप के प्रेशर को कम करने लगता है, जिसकी वजह से फीड पाइप से आ रहा प्रेशर इस पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे फीड पाइप का एयर प्रेशर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर की पाइप से हो जाएगा और रिजर्वोयर में भरी हाई प्रेशर एयर दोनों साइड में लगी बोगी की तरफ जाने लगेगी। दोस्तों, यह एग्जॉस्ट पाइप है। यहाँ पर जो पिस्टन लगा है उसकी डिजाइन कुछ इस टाइप की है, और वह इसलिए क्योंकि जब फीड पाइप ब्रेक सिलेंडर पाइप से कनेक्ट होती है उसी टाइम ब्रेक पाइप एग्जॉस्ट पाइप से कनेक्ट होती है, तो पिस्टन ब्रेक पाइप के प्रेशर को एग्जॉस्ट पाइप से रिलीज नहीं होने देता। अब इस कंडीशन में रिजर्वोयर का प्रेशर धीरे धीरे डाउन होने लगता है, लेकिन कंप्रेसर इस प्रेशर को डाउन होने नहीं देता, कंटिन्यूअसली एयर को भेजता रहता है। यदि लोको पायलट जितनी स्पीड से ब्रेक पाइप का प्रेशर रिलीज करता जाएगा उसका 2.5 टाइम्स प्रेशर ब्रेक सिलेंडर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि लोको पायलट ने 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेक पाइप का प्रेशर डाउन किया तो ब्रेक सिलेंडर की तरफ रिजर्वोयर से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाएगा। इस पाइप से होते हुए एयर प्रेशर यहाँ से फ्रंट और रियर व्हील के लिए डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर फिर से वाल लगे रहते हैं मेंटेनेंस के काम के लिए। यह पाइप दोनों फ्रंट व्हील के लिए जा रही है और यह पाइप इन दोनों व्हील तक पहुँचती है। हम एक व्हील के ब्रेक मैकेनिज्म को समझते हैं। दोस्तों, एक थोड़ा बारीक मैकेनिज्म है, इसको समझना। अभी डिजिटल दुनिया का जबरदस्त टाइम चल रहा है और इसमें नई नई स्किल्स की भरपूर डिमांड है और पैसा अनलिमिटेड, और इनमें 3D एनिमेशन भी एक जबरदस्त डिमांडिंग स्किल है। हमने बेहतरीन 3D एनिमेशन का कोर्स डिजाइन किया है। लर्निंग के अलावा जितने भी अर्निंग के तरीके हैं उनके बारे में भी बात की है, और हम एक प्राइवेट 3D कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप अपने आप को बेहतर पॉलिशिंग कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर से ज्वाइन करना। अब वापस टॉपिक पर आते हैं।
एयर प्रेशर सबसे पहले ब्रेक सिलेंडर में आता है। ब्रेक सिलेंडर में डायफ्राम होता है जो एयर के प्रेशर से कुछ इस तरीके से मूव करता है। अब डायफ्राम का फोर्स इस पिवट पॉइंट पर पहुंचता है और इस पिवट पॉइंट से ब्रेक फोर्स ब्रेक शू पर जाता है और ब्रेक शू ब्रेक डिस्क पर घिसने लग जाता है और धीरे धीरे ट्रेन का व्हील रुकने लगता है। यह सेम प्रोसेस सभी व्हील्स के साथ में होती है। ब्रेक डिस्क कुछ इस टाइप की बनी होती है जिसमें कुछ ऐसी बार होती है जो इसकी कूलिंग में हेल्प करती है। अब जब ट्रेन रुक जाती है तो जब तक ब्रेक सिलेंडर में एयर प्रेशर अवेलेबल रहेगा तब तक ट्रेन का ब्रेक लगा हुआ रहेगा। तो जनरली जब ट्रेन खड़ी रहती है तो उसमें ब्रेक लगा हुआ रहता है जो एक हैंड ब्रेक की तरह काम करता है। तो ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले ब्रेक सिलेंडर की एयर को रिलीज करना जरूरी है। उसके लिए वापस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व पर चलते हैं। जब तक ट्रेन में ब्रेक अप्लाई रहता है तब तक रिजर्वोयर जिसमें एयर फीड पाइप से आती है वह कंटिन्यूअसली इस पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखती है। लेकिन ब्रेक रिलीज के टाइम कंप्रेसर फिर से ब्रेक पाइप का प्रेशर बढ़ाने लग जाता है और एक कंडीशन आती है जब पिस्टन वापस नीचे की तरफ आने लगेगा जिससे रिजर्वोयर का कनेक्शन हट जाएगा और ब्रेक सिलेंडर में जो पाइप अब तक प्रेशर भेज रही थी उसका कनेक्शन इस एयर रिलीजिंग पाइप से हो जाएगा। डायफ्राम के पास में एक स्प्रिंग लगी रहती है जो डायफ्राम को वापस नॉर्मल पोजीशन पर आने के लिए फोर्स लगाती रहती है। तो जैसे ही ब्रेक सिलेंडर वाली पाइप का कनेक्शन इससे होगा तो स्प्रिंग ब्रेक सिलेंडर की एयर को पूरी बाहर की तरफ रिलीज कर देगी और ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ट्रेन के ब्रेक रिलीज करते टाइम कुछ ऐसी आवाज एयर की हमें सुनाई देती है। डिस्ट्रीब्यूशन वाल के पास में एक छोटा टैंक और होता है। इसमें ब्रेक पाइप के प्रेशर को परमानेंटली फीड कर दिया जाता है ताकि जब ब्रेक पाइप का प्रेशर रिड्यूस हो तो डिस्ट्रीब्यूशन वाल इस छोटे से टैंक से कंपेयर कर सके कि ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ है। ट्रेन में एक और ब्रेक होता है हर कोच के अंदर जिसको चैन पुलिंग बोलते हैं। तो जब कोई भी चैन पुलिंग करता है तो एक्चुअल में वह ब्रेक पाइप के प्रेशर को रिलीज कर देता है जिससे ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। LHB कोच में डिस्क ब्रेक होता है जबकि ICF कोच जो ब्लू कलर के होते हैं उनमें डायरेक्ट व्हील पर ब्रेक फोर्स लगता है। ब्रेक मैकेनिज्म दोनों ही कोच में एक ही जैसा है लेकिन LHB कोच में ब्रेक सिस्टम के कंट्रोल के लिए एक पूरी कंट्रोल यूनिट होती है। इस यूनिट के पास में दो ब्रेक इंडिकेटर लगे रहते हैं दोनों साइड की बोगी के लिए। तो जब ट्रेन में ब्रेक अप्लाइड रहता है तो यह रेड कलर का हमें दिखाई देता है और ब्रेक जब रिलीज रहता है तो ग्रीन कलर का इंडिकेशन दिखाई देता है। यह कंट्रोल पैनल टॉयलेट एयर सस्पेंशन के लिए भी एयर प्रेशर को सप्लाई करता है। दोस्तों इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम LHB और ICF कोच के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारे 3D एनिमेशन के कोर्स में आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।